दरअसल हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है। इस समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए कई रास्ते बना रखे, मीलों लंबे रास्ते जिनपे चलना शुरू तो किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? कहीं नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं है, अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा की। इस समाज में एक शक्तिशाली इंसान के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उसे एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी। और एक मामूली इंसान का विरोध, नहीं नहीं, उसे विरोध नहीं, उसे तो विद्रोह का नाम दिया जाना चाहिए, जो उसे एक ही छलांग में पहुंचा देगा फांसी के तख्ते पर। छोटी छोटी विरोधों को दबाया जाएगा, अनदेखा अनसुना किया जाएगा, तब तब एक भयंकर विस्फोट होगा, प्राण घातक विस्फोट, जो समाज, जो कानून, जात पात के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के दराज पे एक इंसान को तोलेगा, उसकी आयु कभी लंबी नहीं हो सकती। कानून ने, समाज ने सबको बराबर का अधिकार, बराबर का दर्जा दिया, लेकिन एक बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार बिल्कुल नहीं दिया। अधिकार बराबर की बात करते हैं हम लोग, बराबर की। हम तो सोचने के स्तर पर भी अपने से छोटे को यह हक देने को तैयार नहीं, बराबर की बात करते हैं हम तो अपनी ओर आंख उठाकर देखने का हक तक देने को तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? वो सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें आज तक आजादी ना मिली है और ना ही शायद कभी मिल पाए। रामचंद्र को सजा मिली, अपने देश की रक्षा की शपथ देने के बावजूद उसने एक अफसर की बच्ची की गंदगी उठाने से कर दिया इनकार, इसे सजा मिलनी चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने राम की सट जैसी मामूली गाली सुनने से कर दिया इनकार, इसे सजा मिलनी चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने अपने कान और आंख बंद करने से कर दिया इनकार, इसे सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा, मृत्युदंड। इंडियन आर्मी एक्ट 69, इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत